हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैविटीज प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? कैविटीज प्रॉब्लम। पिछले वीडियो के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें दो प्रॉपर्टी और रह गई थी, उनको पहले फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में कैविटीज प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है और दूसरा एक चार्ज कंडक्टर है, ये मान लीजिए हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, और दूसरा हमारा न्यूट्रल कंडक्टर ये। तो न्यूट्रल कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, आप सब पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, इसमें आपने न्यूट्रल कंडक्टर को रखा, ये है न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है जी। न्यूट्रल कंडक्टर इसके अंदर आया तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पेनिट्रेट करके बाहर जाती है, यानी ट्रांसमिट होती है इसमें से, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जिसकी वजह से तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फील करते हैं, जिसकी वजह से इधर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये साइड पॉजिटिव हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा इधर की तरफ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पर, कि ये जो इंड्यूस चार्ज आया माइनस क्यू प्लस क्यू ये कितना है। तो अगर मान लो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है तो नेट फील्ड इधर रहा, तो जब नेट फील्ड रहा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ फील करेंगे, जिसकी वजह से इस पर और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये साइड और भी नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड और भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, तो उससे अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नेट बराबर जीरो, और जैसे ही ई नेट जीरो हो जाएगा तो जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ई नेट क्या हो गया, जीरो। तो जैसे ही ई नेट जीरो हुआ तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, तो उसकी वजह से अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ नहीं आएंगे, तो ना इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इस नेगेटिव को क्यू इंड्यूस्ड यानी कि क्यू माइनस माइनस क्यू और इसको प्लस क्यू, ये एक्चुअल में क्या है, इंड्यूस चार्ज है, ये चार्ज, ये कौन से चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। तो हमने देखा कि न्यूट्रल कंडक्टर को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव। सोचिए कि अगर हम पॉजिटिव कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये पॉजिटिव कंडक्टर हमने लिया तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले से फैला हुआ था इस तरीके से, ये लो जी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें क्या होगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे तरफ लगेगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल। अब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ये डिपेंड करेगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। सोचिए कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इधर की तरफ जो फील्ड मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ कम डिपोजिट होंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के चार्ज से न्यूट्रल हुआ, बट ये सारा ही सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा, इधर को और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, अरे समझ में आई नहीं आई, पहले तो क्या था कि ये चार्ज जो फैला हुआ था वो यूनिफॉर्म फैला हुआ था, अब जब इसके अंदर हम लाए तो इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, कम हो गया या न्यूट्रल हो गया, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया, तो इधर को पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इधर को जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा कम होगा, यानी क्यू जो है इधर कम होगा, क्यू की वैल्यू जो है वो इधर ज्यादा होगी, ये साइड कैसी होगी पॉजिटिव, ये कम है व्हेन, यानी कि व्हेन ई नॉट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो अब क्या होता, इधर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आते, अरे आते नहीं आते, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्यों आएंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रल करना है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो न्यूट्रल करना है तो इधर की तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आना चाहिए, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तभी आएगा जब इधर को इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए, इधर को जो पॉजिटिव आयंस है वो ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ई नेट कितना हो जाएगा अंदर, जीरो। तो उससे जो ये कंडक्टर इसमें आएगा उसमें ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, बात क्लियर हो गई। तो ऐसा तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, यानी व्हेन ई नॉट इज वेरी स्ट्रांग, समझ में आया नहीं है,
भाई साहब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है तो जब पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को यहां पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी दोनों ही साइड पॉजिटिव रहेंगी, और जब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल को रखते हैं तो ये साइड हमेशा नेगेटिव ये साइड हमेशा पॉजिटिव, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। एक चीज और कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया, मान लीजिए हमने होलो कंडक्टर ले लिया और उसके अंदर एक होल है, जैसे कि मान लो आपने इस शेप का कोई भी कंडक्टर लिया, आपने इसको क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इस तरीके से फैला हुआ है, क्लियर, ये मतलब यहां पर होल है, ये क्या है, दिस इज होल, इसके हमने अंदर एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट हमने जस्ट बाहर बी, ये ए और बी पॉइंट्स हैं जस्ट इन एंड आउट द होल, यानी कि हेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द होल्स, सॉरी आउटसाइड द होल। तो यहां पर क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पर होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर होगी इस चार्ज क्यू की वजह से। तो प्रूव करिए, ठीक है, टू प्रूव दैट ड्यू टू चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट ए और बी पर जो ये चार्ज है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यहां पर आप इसे कैप कर दीजिए, मान लीजिए ये हमने एक कैप लगा दिया, तो कैप लगाने से क्या होगा, ये सरफेस क्लोज हो जाएगी, इफ वी कैप द होल, इफ वी कैप द होल द सरफेस बिकम्स ए क्लोज्ड सरफेस, क्लियर हो गई। तो जब क्लोज सरफेस हो जाएगी तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, दिस इंप्लाइज ई नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां पर ये जो हमने कैप लिया है, कैप की वजह से बी पर और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो आप इसको कर चुके हैं पीछे, अरे पीछे सॉल्व कर चुके, नहीं कर चुके, बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। तो जितनी इंटेंसिटी कैप की वजह से ए पर आएगी उसके जस्ट इक्वल और अपोजिट इंटेंसिटी चार्ज क्यू की वजह से ए पर होगी। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर गॉस लॉ के हिसाब से यहां पर एक क्लोज सरफेस कंसीडर करो, ये लो जी, ये हमने क्लोज सरफेस कंसीडर की इस टाइप से, ये क्लोज सरफेस हो गई। अब क्लोज सरफेस हो गई तो भाई साहब यहां पर ई नेट कितना है, जीरो। अब ई नेट जीरो कब होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैप की वजह से यहां आएगी उतनी ही अगर इसकी वजह से है तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखिए दो वजह से आएगी, ड्यू टू कैप प्लस ड्यू टू इस रेस्ट सरफेस। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं यहां पर कैप की वजह से कितना होता है, मान लीजिए कि हमने यहां पर कैप की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली थी, जो कैप के ऊपर जो चार्ज जो फैला हुआ है, ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमने चार्ज को इस पूरी सर्फेस पर फैला दिया, कैप कर दिया, तो ये क्यू कूलम का चार्ज पूरी सर्फेस पर फैल गया। अरे होल को हमने कैप किया और हमने चार्ज कितना दिया क्यू, तो इमेजिन करिए कि क्यू कूलम का कुछ पार्ट यहां भी चला जाएगा, तो इससे यहां सर्फेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा। तो सिग्मा की वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब फाइंड कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू कैप। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट कैप के जस्ट आउटसाइड है और उसके लिए पॉइंट बी के लिए कैप एक इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज की तरह वर्क करेगी। अरे करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल, यानी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैप एट बी इज, तो ए भी इतना आ गया। अच्छा जी, और दिस इज इक्वल टू
टैग पॉइंट की, यानी ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे ये सब पिछले उसमें हमने किया हुआ है। तो ए पर अगर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं स्कैप की वजह से, वो कितनी है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बट भाई साहब है कितना पूरा चार्ज? पूरा चार्ज कितना है, सॉरी पूरे सरफेस की वजह से और जो अंदर वाला पार्ट है उसकी वजह से ई नेट कितना है? जीरो। गॉस लॉ में पढ़ाया ना आपने, गॉस लॉ में पढ़ाया कि आपने अगर मान लो कुछ चार्ज एक्स्ट्रा बाहर लिया हुआ है, कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो अगर आप कहीं भी इंटेंसिटी निकालते हैं तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है प्लस गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। यहां पर आती है नहीं आती? तो इलेक्ट्रिक नेट यानी कि ई नेट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रेस्ट सरफेस, रेस्ट सरफेस, रेस्ट सरफेस मतलब कैप को छोड़ करके रेस्ट सरफेस। तो ई नेट कितना है? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू कैप की वजह से कितना है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस इसकी वजह से कितना होना चाहिए? मान लो ई कितना है रेस्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए पर कितनी है? ये लिख लो। तो दोनों का सम अगर हम करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो ये कब आए, ये जीरो कब आएगा? जब यहां से ई ए की जो वैल्यू है दैट इज माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ई की वजह से, मतलब अगर मान लो मैं ए पॉइंट को यहां कंसीडर कर रहा हूं इस जगह पर, तो ये जो कैप है कैप की वजह से इंटेंसिटी इधर, अरे कैप की वजह से किधर है? इधर। और मुझे यहां जीरो करना है, तो ये जो बची कुची सर्फेसिस की वजह से इंटेंसिटी किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी वो किधर जाएगी? ऊपर की तरफ, ये रेस्ट सर्फेस की वजह से, और इस कैप की वजह से नीचे। तो दोनों की वजह से ई नेट कितना हो गया? जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर अगर सरफेस पर कहीं छोटा सा हम एक होल कर देते हैं, तो उस होल के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड जो सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, और कितनी होती है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे नेक्स्ट कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स। तो कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स, दो टाइप की हम कैविटी प्रॉब्लम्स लेते हैं। पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस व्हेन कैविटी लाई इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, या हम ले रहे हैं एग्जांपल में स्फेरिकल बॉडी। हमने पहला केस क्या लिया है? हमने एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की है नॉन कंडक्टिंग, उसके अंदर कैविटी है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर मतलब कैलकुलेट करना है। तो कैविटी प्रॉब्लम से पहला केस हो गया हमारा व्हेन कैविटी लाई इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। तो एग्जांपल से हम इसको शुरू कर रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, और कैविटी किसके अंदर है? नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर है। तो ये हमने मान लीजिए एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी ली, ये इसका सेंटर हो गया C1 और इसकी रेडियस हम मान सकते हैं, ये रेडियस है इसकी R1। हमने कैविटी यहां पर कंसीडर की हुई है, इस ये जो कैविटी हमने ली है ये भी हमने स्फेरिकल कंसीडर की है। मान लीजिए इसके इसके जो सेंटर है उसके उसको हमने रिप्रेजेंट किया है C2 से। तो C1 है इस नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी का सेंटर और C2 है कैविटी का सेंटर, क्लियर? यानी कि C2 जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ कैविटी, और C1 क्या है? सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग, नॉन
कंडक्टिंग स्फीयर, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये भाई साहब नॉन कंडक्टिंग है तो इस तरीके से या मास फैला हुआ है इसमें, और मान लीजिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर है। हमने मान लिया कि इसका जो यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर चार्ज है रो। लेट रो इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने मान लिया ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी दे रखी है, तो उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो कितना चार्ज है रो। क्लियर हो गई बात। आपको मान लो यहां पॉइंट एक पी दिया हुआ है जिस पर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको कराया 11th क्लास में तो वहां भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी सॉरी उसमें भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं कैविटी वाली। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आज आप लोग इस कैविटी को भर दीजिए पॉजिटिव मास से, और उसकी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू है यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी है इस कैविटी की उतनी ही लेंगे जितनी वॉल्यूम मास डेंसिटी इस वाली बॉडी की है। तो एक बार आप इसको पॉजिटिव डेंसिटी से भरते हैं मास डेंसिटी से, और एक बार इसको नेगेटिव मास डेंसिटी से भरते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितना पॉजिटिव मास आपने लिया अगर उतना ही नेगेटिव मास इसमें ले लिया जाए तो नेट मास क्या हो गया जीरो। नेट मास जीरो तो मतलब क्या हुआ इसमें कोई मास नहीं है यानी कि कैविटी बन गई। तो 11th क्लास में हमने जो कैविटी प्रॉब्लम्स कंसीडर की थी उसमें हमने ऐसा ही माना था, मैंने आपसे कहा था कि एक बार पॉजिटिव मास लो बट ये मास की डेंसिटी आपको उतनी लेनी है जितनी डेंसिटी इस वाले मास की है ये जो फैला हुआ है, एक बार नेगेटिव मास मास लो तो उसकी भी डेंसिटी उतनी होनी चाहिए जितनी इसकी हमने डेंसिटी ली है। पॉजिटिव डेंसिटी नेगेटिव डेंसिटी को कैंसिल कर देंगे इट मीन्स इसके अंदर कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है तो इसका मतलब ये कैविटी है। मैंने वैसे आपको बताया हुआ है कि कभी भी नेगेटिव मास नहीं होता बट हम एक ट्रिक बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, हम ऐसा मान सकते हैं जिसको पॉजिटिव नेगेटिव मास से भर दिया गया है जिससे कि नेट मास जीरो हो गया। तो जैसे हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को करते समय, वैसे ही सेम कंसेप्ट हमें यहां पर यूज करना है। वहां हम मास ले रहे थे, यहां पर हम चार्ज ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की वजह से आती है ना कि मास की वजह से। तो हमने देखा कि इस वाले स्पेस में जो मास सॉरी जो चार्ज फैला हुआ है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो आप क्या करिए इसको एक बार मान लीजिए कि ये रो चार्ज डेंसिटी से भरा हुआ है और एक बार माइनस रो चार्ज डेंसिटी से भरा हुआ है, यानी कि जो कैविटी है कैविटी को आपने एक बार फिल कर दिया कैसे चार्ज से, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। दूसरी बार आप इसको फिल कर दीजिए किससे, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। तो हम देख रहे हैं कि कैविटी के अंदर प्लस रो चार्ज डेंसिटी भी है और माइनस रो चार्ज डेंसिटी भी है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्ज देखेंगे तो प्लस रो क्या कहेगा कि यूनिट वॉल्यूम में टोटल पॉजिटिव चार्ज रो, माइनस रो क्या कहेगा कि यूनिट वॉल्यूम में टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस रो। तो यूनिट वॉल्यूम में नेट चार्ज कितना हुआ जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये कैविटी आपको मिल जाएगी, अरे इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं आई बात समझ में? कैविटी को आप प्लस रो डेंसिटी माइनस रो डेंसिटी से भरा हुआ मान लीजिए, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि जब अगर इसको हमने प्लस रो डेंसिटी माइनस रो डेंसिटी से भरा हुआ मान लिया है तो ऐसा नेट चार्ज क्या है जीरो। और जब नेट चार्ज जीरो है तो इसका मतलब यहां पर कैविटी है। अरे कैविटी बनी नहीं बनी बिल्कुल, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी आपकी यहां दे रखी है जो चार्ज डेंसिटी यहां पर है उतनी ही चार्ज डेंसिटी आपको अंदर कंसीडर करनी है। ये रो है तो एक बार प्लस रो लेना है एक बार माइनस रो लेना है। तो इमेजिन करिए कि एक बार मैंने यहां पर प्लस रो से इसको भर दिया यानी कि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी बिल्कुल ये इसी टाइप की ही मैं यहां पर ये मान सकता हूं, ठीक है। ये यानी कि अब जब मैंने इसको प्लस चार्ज से भर दिया है तो क्या मुझे यहां पर कैविटी मिलेगी? अब मैं केवल प्लस की बात कर रहा हूं, अभी माइनस की चर्चा नहीं कर रहा। मैंने प्लस रो डेंसिटी से इस स्पेस को भर दिया तो भाई साहब जब प्लस रो डेंसिटी का चार्ज इसके अंदर आ गया तो क्या यहां पर कोई कैविटी है? कोई कैविटी नहीं। तो आपको क्या मिला?
आपको मिला ये कंप्लीट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आ रही है बात। मैंने माइनस रो को अभी नहीं भरा, मैंने क्या माना है प्लस रो से आप इसको भर दीजिए। जब आपने इसको प्लस रो से भर दिया तो जैसे यूनिट वॉल्यूम में यहां पर चार्ज है रो, वैसे ही यूनिट वॉल्यूम में यहां पर चार्ज रो, यूनिट वॉल्यूम में यहां पर चार्ज रो। तो आप देख रहे हैं इस स्फीयर के अंदर कहीं भी यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, हर जगह पर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी रो। तो आपके लिए ये जो बना ये एक नॉन कंडक्टिंग क्या बन गया सॉलिड स्फीयर जिसके यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है रो। तो वो तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपने एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया जिसके अंदर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो सेंटर से अगर मैं कहूं कि आर दूरी पर बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो गॉस लॉ से हम प्रूव कर चुके हैं। मान लो ये पॉइंट ए है तो यहां पर इंटेंसिटी आती है रो इंटू ये रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या आता है आप जितनी दूरी पर आप निकाल रहे। अरे पढ़ाए नहीं पढ़ा बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमने जब इसको प्लस रो से भर दिया तो हमारे लिए अब ये क्या बन गया है एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो यहां पॉइंट पी पर अब कितनी इंटेंसिटी आएगी पूरी की पूरे चार्ज की वजह से। तो आप मान लो कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये आर वन है, कितना मान लिया आर वन। तो यहां जो इंटेंसिटी आएगी पॉइंट पी पर, मैं इसको यहां से हटा दूं क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा साफ हो जाएगा अगर इन लाइंस को मैं हटा देता हूं, बट ये अंडरस्टूड है कि इसको हमने भरा हुआ माना है ये C2, ठीक है। तो ये R1, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी आएगी E1, तो E1 की वैल्यू रो इंटू आर वन अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बताइए डायरेक्शन डायरेक्शन कौन सी आएगी। तो डायरेक्शन तो आपको पता है कि यहां पर जैसे हम निकालेंगे तो कहां यहां गॉसियन सरफेस लेते थे स्फेरिकल, तो गॉसियन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती थी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन ई की डायरेक्शन। सोचो कि इसी डायरेक्शन में मैं अगर इसको आर को वेक्टर बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर तो सेम है, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर की ही डायरेक्शन होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने ई वन माना है, तो इसकी डायरेक्शन R1 वेक्टर की डायरेक्शन, तो R1 वेक्टर तो ये हो गया। तो इसी डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ये हो गई E1। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू R1 अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। इसको यहां से मैं साफ कर दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बट एक चीज बताइए, क्या वास्तव में यहां इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इतनी होगी? नहीं होगी, कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वास्तव में इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट हमने तो पॉजिटिव चार्ज भर करके कंसीडर किया है कि इस पॉइंट पर कितनी आएगी, तो इतनी आएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भर देते हैं तभी आकर के सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंप्लीट बनता है, और कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से आर दूरी पर इतनी इंटेंसिटी होती है। तो ये ज्यादा है, हमें इसमें से कुछ कम करना है, तो कौन सा कम करेंगे भाई? कितना ज्यादा है, हमने यहां पर प्लस रो से भरा है, प्लस रो डेंसिटी से भरा है, तो उसकी वजह से ज्यादा आ रहा है। तो एक काम करिए माइनस रो से भर दो, तो माइनस रो से यहां कितनी आएगी, तो प्लस रो से जितनी आई एक्स्ट्रा वैल्यू उसको कंपनसेट किससे किया जा सकता है, माइनस रो डेंसिटी से भर दिया। अब मान लीजिए कि हमने इसको भर दिया माइनस रो डेंसिटी का चार्ज इसमें, क्लियर हो गई बात। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस रो, अच्छा जी ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज इसमें ऐसे भरा हुआ है, ये सब नेगेटिव चार्ज है, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, कितनी मान ली हमने रो, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है। तो अब इस स्फीयर की वजह से यहां कितनी होगी, तो सेंटर से ज्वाइन करिए, मान लो कि ये जो दूरी आई है ये दूरी है R2, तो इसको वेक्टर बना लो, तो ये R2 वेक्टर बना, और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी ये है मान लो E2, क्या है E2। तो क्या तुम E2 निकाल सकते हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैविटी विच इज फील्ड बाई माइनस रो डेंसिटी, ये क्या है E1, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट कंप्लीट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इन दिस कैविटी इज फील्ड कैविटी इज फिल्ड बाय ए चार्ज डेंसिटी
प्लस रो, ठीक है, एस E1 इज इक्वल टू ये आएगा रो इंटू आर वन अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, इसे डालिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको यहां से डालो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैविटी विच इज फिल्ड बाय ए चार्ज डेंसिटी माइनस रो एस, तो उसे ई टू, तो कितना आएगा माइनस रो इंटू आर टू वैक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बता सकते हैं, अरे बता सकते हैं, नहीं बता सकते, दोनों को जोड़ क्योंकि दोनों ही वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, तो ई नेट एट पॉइंट पी इनसाइड द कैविटी इज, ये पॉइंट हमने यहां पी माना हुआ है, कौन सा पॉइंट माना है ये हमने यहां अंदर ये पी पॉइंट लिया हुआ है, तो कितना आएगा ई नेट, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी दैट इज ई वन प्लस ई टू, दोनों को भाई साहब जोड़ दीजिए, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा देखो, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो अंदर आ जाएगा आर वन माइनस आर टू, क्लियर हो गया। हमने सी वन और सी टू के बीच के डिस्टेंस को आर मान लिया है, क्या मान लिया है आर, रो को मैं लिख रहा हूं माइनस, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, अगर वैक्टर बनाएंगे तो ये आर वैक्टर कैसे बनेगा, तो सोचो कि अगर मैं इसको देखूं यहां से पी सी वन सी टू को, ट्रायंगल पी सी वन सी टू, तो इसमें आर प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या है आर वन, तो फ्रॉम ट्रायंगल पी सी वन सी टू, तो आर टू वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, ये कितना है आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर इज इक्वल टू आर वन, तो R वेक्टर की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो ये कितनी आएगी R1 माइनस R2, तो अगर R1 माइनस R2 को मैं यहां पर पुट कर दूं तो मुझे E नेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देयर फोर E नेट जो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज इक्वल टू रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है, क्या है ये कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि ना तो आर वेक्टर चेंज हो रहा है, ना रो चेंज हो रहा है, ना थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगी, इट मींस ई नेट इनसाइड द कैविटी is independent from the position of point P, clear हो गया, यानी point P की position पर depend नहीं करेगी, और we can say electric field intensity inside the cavity is uniform, और we can say electric field intensity inside the cavity is uniform, यानी uniform electric field होगा, यानी कि magnitude और direction हर जगह पर क्या होंगी same, इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज कहीं भी आप रख दीजिए, इसमें हर जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू सेम होगी, बात क्लियर होगी। अच्छा जी, फील्ड ठीक है जी यूनिफॉर्म, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, सी वन सी टू को ज्वाइन करने वाली लाइन है, यानी कि दोनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always
along C1, C2 वेक्टर और R वेक्टर, जो R वेक्टर होगा उस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा। क्लियर हो गया? यानी कि मतलब सिंपल सा है कि अगर मान लो इस तरह का आपको कोई स्फीयर दिया है, ये उसका सेंटर हो गया, और यहां पर मान लीजिए ये कैविटी है, दूसरा बना दीजिए इसको, यहां पर इसको ऐसे लीजिए कि ये एक स्फीयर, ये इसका सेंटर C1, और मान लो एक कैविटी यहां पर काट दी गई है, इसका सेंटर C2, तो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। अगर हम इसको भर देते हैं प्लस रो से, ये किससे भर दिया गया है, प्लस रो, इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस रो। क्लियर? तो मैं आपसे कहूं कि बताइए अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है और कौन सी डायरेक्शन में। तो भाई साहब रो डेंसिटी का ये भरा हुआ है, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इसमें फैला हुआ है। क्लियर? तो अंदर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो E = ρ/3ε0 और C1 C2 वेक्टर। क्लियर? C1 C2 वेक्टर के, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, C1 से C2 की तरफ। यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आएगी, आपको ऐसे समझना है। क्लियर हो गया? कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ρ/3ε0 C1 C2, यानी C1 से C2 तक का डिस्टेंस कितना, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं। देखिए एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पहले आपको उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, उस क्वेश्चन को पहले मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। जेई ने एक बार जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या था कि यहां मान लीजिए ये आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, ये उसका सेंटर C1 है। क्लियर? और यहां पर एक ये मान लो इसकी रेडियस है R, और R/2 रेडियस की एक कैविटी बनाई हुई है इसके अंदर, ये R/2 रेडियस की एक यहां कैविटी ली हुई है इस टाइप से, ये इसका सेंटर हो गया C2, ये सेंटर हो गया C1, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। क्लियर? इस टाइप से ये R/2 इसकी रेडियस हो गई। अब यहां से थीटा एंगल पर इस कैविटी की सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैविटी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में जो डेंसिटी दे रखी है आपको चार्ज की वो कितनी है, रो। तो आपको बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैविटी में कितने समय में किसी दूसरी वॉल से टकराएगा, मतलब यहां से चलेगा तो ये सरफेस से कितने टाइम बाद टकराएगा। पहले तो ये समझिए, पहले तो ये बताइए कि टकराएगा नहीं टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया गया है। सोचिए अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी आप ये कैविटी ले रहे हैं तो इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कितनी होती है, E⁴ ρ/3ε0 C1 C2 वेक्टर। तो C1 C2 वेक्टर तो आपका ये हो गया C1 C2 वेक्टर, अरे यहां से यहां तक आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा R/2, यहां से यहां तक कितना आइए R/2। क्लियर? तो ये R/2 वेक्टर बन गया, वेक्टर ले लीजिए तो मैग्नीट्यूड हो गया R/2, यहां से यहां तक ये डायरेक्शन ये आ जाएगी, तो C1 C2 की वैल्यू इसमें हम यहां पुट कर देंगे, तो इतनी वैसा इंटेंसिटी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया कैसा होता है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस जो है इसमें इस टाइप से जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कैविटी के अंदर ऐसे होंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन कौन सी होगी, C1 से C2 की तरफ। तो ये वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आपने पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट, तो फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ये जो फोर्स आएगा एफ, तो एफ की वैल्यू होगी चार्ज कितना है यानी क्यू बराबर यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना ये फोर्स आएगा। क्लियर हो गया? हमने ये मान रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस रेडियस के साथ में कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन चलेगा कौन सी लाइन में, इस वाली लाइन में, तो ये यहां आके टकराएगा,
यानी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन मान लो ये पॉइंट ए है, ए से चल करके कहां पर कोलाइड करेगा, बी पर, क्योंकि वो इस वाली डायरेक्शन में आएगा। आपको ये टाइम फाइंड करना है कि कितने समय में वो यहां पे टकराएगा, जबकि ये एंगल कितना बन रहा था, ठीक है। सोचिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर वाई टू, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी आर वाई टू, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, बट तुम्हें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ये डिस्टेंस आर वाई टू, ये डिस्टेंस भी आर वाई टू, तो ये पूरा डिस्टेंस ए भी कितना बनेगा, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आधे डिस्टेंस आर वाई टू कॉस थीटा, और ये भी आधे डिस्टेंस आर वाई टू कॉस थीटा, तो यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस आएगा आर वाई टू कॉस थीटा प्लस आर वाई टू कॉस थीटा, तो टोटल डिस्टेंस आर कॉस थीटा, ये भाई साहब ए से बी तक का डिस्टेंस बन गया, क्लियर हो गया। यहां से चार्ज को रिलीज किया गया है, यू बराबर जीरो, चार्ज को रिलीज किया गया है ए से, तो यू बराबर जीरो, तो कितने समय में टकराएगा भाई, तो आप पहले देखिए कि इस पर फोर्स लग रहा है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो इसमें इस फोर्स से कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज एफ बाई एम, एम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास है, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का एम, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा एफ, एफ कितना होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू सी वन सी टू, तो सी वन सी टू कितना आएगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आएगा आर बाई टू, नहीं आ रही बात समझ में, अरे सी वन सी टू वेक्टर है तो सी वन सी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, हमें डायरेक्शन तो पता है ना, जब फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर आएगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, तो ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, यानी अगर मैं केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई बराबर रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, और सी वन सी टू का मैग्नीट्यूड कितना है आर बाई टू, ठीक है, तो इतना आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय मास, तो ए आ गया स्मॉल ई रो इंटू कैपिटल आर बाई सिक्स एम एप्सिलॉन नॉट, ये इतना एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, क्यों है कॉन्स्टेंट, रेडियस कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। आपको बताया कि जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो भाई साहब हम इक्वेशंस यूज करते हैं वी बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर, इस तरह की। तो जब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, रिलीज किया जाएगा यू बराबर जीरो, तो इसमें इतना एक्सेलरेशन होगा, तो ये बी पॉइंट पर जब टकराएगा तो टकराने में कितना डिस्टेंस चलेगा आर कॉस थीटा, इतना डिस्टेंस चलेगा, तो कितना समय लेगा, तो आपको बताया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस कितना चला है आर कॉस थीटा, यू कितना है जीरो, टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है स्मॉल ई रो कैपिटल आर अपॉन सिक्स एम एप्सिलॉन नॉट इनटू टी स्क्वायर, तो भाई साहब यहां से टी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो देखिए आर तो इस आर को यहां कैंसिल कर देगा, तो कितना आएगा सिक्स एम एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना आएगा रो इनटू ई, रो इनटू ई, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो यहां से टी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या क्वेश्चन था कि ये एक स्फीयर दिया हुआ है, इसके अंदर कैविटी है, स्फीयर की रेडियस आर, कैविटी की रेडियस आर बाई टू, हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पर लिया, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा और कितना समय लेगा, तो कंसेप्ट आपने सीधा सा सीखा कि अगर इस तरह की कैविटी होती है तो उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन ने फोर्स फील किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, तो अपोजिट मूव करेगा तो ये बी पर आकर के टकराएगा, तो कहां टकराएगा बी पर, कितने समय में टकराएगा, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, हमने देखा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, और जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप जानते ही हैं वी बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसकी हेल्प से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इस तरह की कैविटी है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए एक बच्चे ने पिछली बार मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको ये क्वेश्चन दिया कि भाई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्फीयर के अंदर, रेडियस मान लीजिए इसकी आर वन है, इसमें हमने एक कैविटी ले ली, इसके रेडियस मान लीजिए ये सी वन सेंटर, ये सी टू सेंटर, इसकी रेडियस आर टू ले लीजिए, यहां पर चार्ज भरा हुआ है, इसमें ये कैविटी है इधर, ठीक है, इसमें यहां चार्ज भरा हुआ है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, तो बताइए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमने फाइंड कर लिया कितनी होगी, E इज इक्वल टू रो इंटू सी वन सी टू वैक्टर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, अरे यही तो आया, एक बच्चे ने कहा जी ये गलत है, हमने तो प्रूव किया इतना आता है, एक बच्चे ने कहा जी ये गलत है,
क्यों गलत है? जी गॉस थ्योरम से मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, यहां इंटेंसिटी जीरो आएगी। मैंने कैसे करेगा भाई? तो उसने क्या किया, यहां निकालिए, इससे मान लो आर दूरी पर, कितनी दूरी है ये आर दूरी है, तो उसने यहां पर आर रेडियस की क्या ले ली, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जब उसने कंसिडर की, तो भाई साहब छोटा सा एलिमेंट लिया डी ए, मतलब एरिया एलिमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर, तो ई वेक्टर बाहर और डी ए वेक्टर बाहर, तो आपको बताया इसे जाने वाला नेट फ्लक्स फाई नेट निकाल लिया, तो वो आ गया ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। और फिर कहा जी गॉस लॉ से फ्लक्स हमें पता है कि इस कैविटी के अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, वो तो जीरो है क्योंकि चार्ज तो बाहर, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को बराबर पुट कर दो, ई बराबर जीरो। तो उसने कहा जी ई बराबर तो क्या होगा, जीरो होगा। तो सोचिए क्या वो सही कर रहा है इस काम को, यानी कि यहां तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया भाई साहब। अरे आया नहीं आया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूव की इतना, और बच्चे ने कह दिया जी मैं तो इसको गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकता हूं, जीरो होगा। अब सोचिए कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये गलत है। एजी इक्वल टू जीरो ये गलत है, सही यही है। तो सोचिए गलत क्यों है, गॉस थ्योरम सही लगा रहा है क्या वो? उसने सब कुछ ठीक किया है, बट उसको एक चीज की जानकारी नहीं थी। वो जानकारी क्या नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम हाईली सिमेट्रिकल सर्फेसिस के केस में ही एप्लीकेबल होती है। अगर आप गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप निकालेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप गॉसियन सरफेस मान रहे हैं वो गॉसियन सरफेस हाईली सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये जो सरफेस है ये हाईली सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है, या ये इसकी हम बात करें, ये हाईली सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है। हाईली सिमेट्रिकल सरफेस अगर ये होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप कहेंगे जी हाईली सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या होगा? हाईली सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब है कि आप इसमें चाहे ऐसे सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, आप कैसे भी मतलब सेंटर से इस तरह से लाइन ले लीजिए, तो उस लाइन के दोनों तरफ यानी इधर और इधर, या ये वाली लाइन ले रहे हैं हम तो ऊपर नीचे, अगर ये लाइन ले रहे हैं तो इधर और इधर, जो चार्ज फैला हुआ है आसपास वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी जैसे इधर फैला है वैसे इधर फैला होना चाहिए, जैसे इधर वैसे इधर, यानी कि किसी भी लाइन के अबाउट आप देखेंगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैविटी के चारों तरफ वो अगर आइडेंटिकल है तो हम कहेंगे कैविटी कैसी है, ये सिमेट्रिकल कैविटी है, तब हम ये कहते हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? देखिए अगर इस लाइन को हम देखें तो इधर की तरफ चार्ज कम, इधर की तरफ चार्ज ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस लाइन को देख रहे हैं तो यहां पर जितना चार्ज ऊपर उतना ही चार्ज नीचे, बट इस वाली लाइन के ओर देखें तो यहां कम यहां ज्यादा, इस लाइन के ओर देख रहे हैं तो ये ज्यादा ये कम। तो आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन के अबाउट अगर आप देखते हैं तो ये कैविटी जो है ये इस तरह की है कि इसके चारों ओर जो चार्ज फैला हुआ है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये कैविटी सिमेट्रिकल नहीं है। या मैं ये कहूं कि इसके अंदर जो मैंने ये सरफेस कंसीडर की है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, गॉसियन सरफेस जो मैं मान रहा हूं, तो उस गॉसियन सरफेस के इधर 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 चार्ज का जो फैलाव है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आइडेंटिकल नहीं है, तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो समझ में आ गया? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो अगर गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सरफेस हाईली सिमेट्रिकल नहीं है तो कभी भी गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आ सकती, तो इस केस में आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते, तो यह आंसर इसलिए आपका गलत आ रहा है। क्लियर हो गया बात? अब देखिए, जैसे मान लो हमने इसकी चर्चा कर ली कि भाई ये हमारी जो सरफेस है ये कैसी है, ये सरफेस है हमारी अनसिमेट्रिकल सरफेस। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसे लू इसको, ये इसका सेंटर C1 और इसमें मैंने ये कैविटी कंसीडर किया, इसका सेंटर भी C के ऊपर है, C1 और C2, यानी कि C1 C2 कॉन्साइड कर रहे हैं, C1 और C2 क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड। इसकी रेडियस मान लीजिए R1 और इसकी रेडियस मान लीजिए R2, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है इस तरीके से, और यहां पर मान लीजिए जो चार्ज की यूनिट वॉल्यूम में जो वैल्यू है वो रो है,
तो ये इस टाइप से अगर हम देख रहे हैं तो कैविटी जो है वो इसमें इस तरह की है कि ये C1 और C2 यानी कि ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसका सेंटर और कैविटी का सेंटर यहां क्या कर गया, कौन सा है, यानी कि सेंटर ऑफ कैविटी एंड सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कौन सा है, यानी C1 एंड C2 कौन सा है। अगर ऐसा होता है और चारों तरफ चार्ज आप देख रहे हो जो फैलाव है चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल है, तो इस केस में इस कैविटी को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल कैविटी। C1 C2 कौन सा है, स्फीयर। कैविटी इज कॉल्ड इन दिस केस सिमेट्रिकल। हां, अब आप गॉस लॉ लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। क्यों, आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दूरी पर गया, सेंटर से आर दूरी पर, तो आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, ये लोजी मान ली, तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या सिमेट्रिकल है, यस, अब ये सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि इस सरफेस के जैसे चार्ज इधर फैला हुआ है वैसे इधर वैसे इधर वैसे इधर कहीं भी किसी भी साइड में देखेंगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो आइडेंटिकल आ रहा है, तो ये जो सर्फेस है ये सिमेट्रिकल सर्फेस है, गॉस लॉ लगा सकते हैं। ये लो लगा, तो यहां से ये छोटा सा एरिया मान, ये dA वेक्टर, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, तो इसका फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो फाई नेट, तो दैट इज कितना होगा E.dA का इंटीग्रेशन, और ये सब सॉल्व करके कितना आता है E(4πr²। बहुत बार कर चुके, अब मैं बार बार इसको नहीं कर, डायरेक्ट लिख रहा, क्लियर हो गया। अच्छा, ऑल्सो अगर आप गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ से अगर मैं आपसे पूछूं इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, इसमें टोटल कितना चार्ज है, तो चार्ज तो बाहर फैला हुआ है ना, तो 0/ε0 बराबर 0। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज होगी कि अगर कैविटी सिमेट्रिकल हुई तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन अगर कैविटी इस तरह की है नॉन सिमेट्रिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यानी कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर कैविटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा कैविटी पर। कैविटी सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, कैविटी नॉन सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। नॉन सिमेट्रिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बात समझ में आई, एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कैविटी है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर कैविटी सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अंदर, 0, प्रूव कर दिया हमने, गॉस लॉ लगा सकते। लेकिन अगर कैविटी नॉन सिमेट्रिकल है, कैसी है, नॉन सिमेट्रिकल, जैसे ये नॉन सिमेट्रिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। बात क्लियर होगी, कितनी होगी, ρ/3ε0 C1 C2 वेक्टर, और डायरेक्शन किधर होगी, C1 C2 यानी कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन में, C1 से C2 की तरफ। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम सिमेट्रिकल कैविटी की चर्चा करें तो सिमेट्रिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। सोचो कि अगर मैं यहां पर, मैंने यहां अंदर चर्चा कर ली, अगर मान लीजिए मैं यहां अंदर ले रहा हूं, यानी कि इस टाइप से ये सिमेट्रिकल कैविटी, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, यहां पर चार्ज डेंसिटी रो, ये इस तरीके से इसमें चार्ज भरा हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक, इस टाइप से ये दिया है आपको। मैंने पॉइंट को मान लो यहां पर लिया, सेंटर से R दूरी पर, मैंने आपसे कहा यहां इंटेंसिटी बताइए, तो आपने यहां पर क्या देखा, एक हो R<R1, यानी कि पॉइंट जो लिया है आपने कैविटी के अंदर लिया, कैविटी की रेडियस कितनी, R1, इफ R<R1 तो इंटेंसिटी कितनी आई, 0। इस केस में हम क्या ले रहे हैं कि R<R2>R1, यानी कि हमने पॉइंट को यहां पर ले लिया, ये मान लीजिए पॉइंट था हमारा A और ये हमने पॉइंट मान लिया B,
ठीक है, ये पॉइंट बी, तो बी पर हमको इंटेंसिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई यहां पर, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस आएगी ये सिमेट्रिकल आएगी। क्यों आएगी ये सिमेट्रिकल? क्योंकि जैसे चार्ज इधर फैला हुआ है, इधर 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 चार्ज उसी टाइप से फैला हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस में है, ये जो मैंने शेडेड जो रीजन बनाया है ये वाला, केवल इतना चार्ज जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ये हमने क्या मानी है यहां पर, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई, दिस इज ए गॉसियन सरफेस। तो हमने देखा कि इस गॉसियन सरफेस पर छोटा सा एलिमेंट या एरिया, ये डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, थीटा बराबर जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये है गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो कितना फ्लक्स जाएगा, फाइनाइट निकालो भाई, आता है निकालना, तो फाइनाइट कितना आएगा, यहां से फाइनाइट निकालेंगे तो E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। मैंने भाई साहब ये E डॉट डी ए इंटीग्रेशन ये सारा नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, अब नहीं करना, काफी टाइम हो गया बार बार इस चीजों करते हुए, अब तक रेडी आना चाहिए आपको। ऑल्सो बाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो क्या ये पूरा वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं कितना है, इस पूरे वॉल्यूम में से जो कैविटी का वॉल्यूम है ये घटा दो, तो ये जो सेडेड पोर्शन इसका वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा। और अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो भाई साहब आप उस वॉल्यूम में रो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम कितना आएगा, फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यू माइनस फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यू, ये वॉल्यूम है टोटल जिसमें की चार्ज फैला हुआ है, ये वाला वॉल्यूम, ये साइडेड पोर्शन जो है ये आ गया, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, रो से, तो ये टोटल चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज होगा कितना वॉल्यूम है और मल्टीप्लाई बाई यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर दोनों को देखेंगे तो E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कॉमन आएगा फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यू माइनस आर वन क्यू इंटू डेंसिटी रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फोर पाई से तो ये फोर पाई कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई यहां से, ये आ गई रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू माइनस कैपिटल आर वन क्यू और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहां पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आर बराबर हम कैपिटल आर ले लेते हैं, आर बराबर कैपिटल आर ले लेते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे, सरफेस पर, सॉरी कैपिटल आर टू तो कहां पहुंचेंगे, सरफेस पर। मान लीजिए आपने पॉइंट सी यहां पर लिया, यहां इंटेंसिटी बताओ, तो अब ये दूरी क्या होगी स्मॉल आर, तो यहां पर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, यहां पर छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, ये क्या आएगा डीए वेक्टर और इधर क्या आएगी इंटेंसिटी ई वेक्टर, ये पॉइंट हमने कौन सा लिया है सी, तो थीटा क्या है जीरो, तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे यहां पर। तो अगला केस ले रहे हैं हम इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन आर टू, तो उस केस में ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर फाइनाइट, एक तो ये आ गया, अरे आएगा नहीं आएगा, यहां से इससे इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू या इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इसका सरफेस एरिया। ऑल्सो फाइनाइट गॉस थ्योरम से कितना आएगा, टोटल कितना चार्ज भरा हुआ है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे इसमें, तो यूनिट वॉल्यूम में तो रो मल्टीप्लाई बाई कितना वॉल्यूम है, यानी कि ये जो चार्ज वाला चार्ज जिस जिस स्पेस में भरा हुआ है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम बता दो, तो जहां जहां चार्ज फैला हुआ है वो वाला वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो कितना आएगा, फोर बाई थ्री पाई और आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू, ये टोटल वो वॉल्यूम है जिसमें चार्ज भरा हुआ है और यूनिट वॉल्यूम में कितना है, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब दोनों को सेम अगर हम पुट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो इंटू आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फोर पाई से इधर ये फोर पाई कैंसिल हो जाएंगे,
तो इतनी इंटेंसिटी आएगी, नहीं आई बात समझ, सॉरी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ये वाला, इतनी यहां पर इंटेंसिटी आएगी। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए मैं आपसे स्मॉल आर को कैपिटल आर टू ले लू, मैंने आपसे कहा कि सरफेस पर बताइए एज अ सरफेस, तो ये स्मॉल आर घटके कितना हो जाएगा बताइए, स्मॉल आर घटके कितना हो जाएगा आर टू, तो हम यहां भी देखो पुट कर सकते हैं आर टू, तो ये बनेगा आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू ओवर आर टू स्क्वायर, वो यहां पर बन रहा है आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर, तो दोनों जगह से इंटेंसिटी क्या आएगी सेम आएगी। तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि अगर कैविटी सेमेट्रिकल है तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेमेट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, अगर सेमेट्रिकल कैविटी से हम बाहर ले रहे हैं बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, और अगर पूरा ही बिल्कुल पॉइंट को बाहर ले लिया बट कैविटी कैसी है सेमेट्रिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, अगर नॉन सेमेट्रिकल कैविटी है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शन सी वन सी टू यानी दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस तरफ होता है। उसमें हमने कैविटी की तो हमने चर्चा कर ली कि जैसे हमने मान लीजिए ये एक स्फीयर लिया, ये इसका सेंटर सी वन, और इसके अंदर हमने मान लो ये एक कैविटी ली, ठीक है, इसका सेंटर हो गया सी, चार्ज जो है इसमें फैला हुआ है मान लो इस टाइप से, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, ठीक है, इसकी रेडियस को मान लिया हमने आर वन और इसकी रेडियस को मान लिया हमने आर टू, तो अंदर तो हमने कहीं भी पॉइंट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ये पॉइंट ए था तो ए पर कितनी आ गई इंटेंसिटी, दैट इज रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट सी वन सी टू वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्मूला लिखना नहीं तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे उसका, तो सी वन सी टू के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो यहां पर आएगा। सोचिए कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं भाई साहब पॉइंट को यहां पर ले रहा हूं, ये पॉइंट बी लिया, यहां इंटेंसिटी बताइए, तो तरीका क्या है, तरीका वही है, एक बार आपने इसको प्लस रो से भर दिया तो ये क्या बन जाएगा पूरा स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनेगा नहीं बनेगा, तब यहां से मान लो आप आर दूरी पर गए तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला आपको पता है कितनी आएगी इंटेंसिटी, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर, अभी निकाला है नहीं निकाला भाई साहब, जब आपने प्लस रो से भर दिया तो अब क्या आपके पास कैविटी बची, कोई कैविटी नहीं है, तो यहां पर इंटेंसिटी पूरे के वजह से निकालेंगे तो इतनी आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, आएगी, लेकिन क्या ये सही आंसर है, गलत, क्यों, क्योंकि यहां तो कैविटी है, आपने तो भर करके बताया है कैविटी को कितनी इंटेंसिटी, तो इसमें से कुछ घटाना है, किसकी वजह से, एक बार इसको माइनस रो से मान लो, तो माइनस रो की वजह से लेंगे तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आर टू, इसको आर वन मान लो, ठीक है, तो ये आर टू, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी ई टू मान लो, तो क्या आएगी माइनस रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इन टू, कितना बन जाएगा ये आर टू वेक्टर, और जब आपको नेट इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है तो ई नेट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, भाई साहब इस तरह से करेंगे, तो पॉइंट को चाहे तुम अंदर ले लो, पॉइंट को चाहे बाहर ले लो, या यहां कहीं ले लो, आपको कंसेप्ट यही यूज करना है, एक बार आप इसको प्लस रो से भर दीजिए, एक बार इसको माइनस रो से भर दीजिए, प्लस रो से भर देंगे तो क्या बन जाएगा ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, माइनस रो से भरेंगे तो ये जो कैविटी थी ये क्या बन गया सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है माइनस रो, तो आपको इस पॉइंट पर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से निकालना पड़ेगा, और इस कैविटी को जब हमने भर दिया माइनस रो उसकी वजह से निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन तुम बनाना चाहें ये लो बना लो, ट्राई करना, चलो ट्राई करना भाई, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस आप ले लीजिए 4r ले लीजिए, चलो इसकी रेडियस हमने क्या ले ली 4r, ये इसका सेंटर, अच्छा जी हमने क्या किया यहां से r रेडियस की इसके अंदर एक कैविटी बना ली, r रेडियस की इसके अंदर एक कैविटी बना ली, ये लो जी ये C2 सेंटर हो गया, ये C1 सेंटर हो गया, ये R रेडियस, तो ये R और ये R 2R, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ 2R, तो अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 3R आएगा, कितना आएगा ये 3R, तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 3R। आपसे पूछा जाता है कि बताइए
यहां से 2r दूरी पर ये पॉइंट है A, यहां इंटेंसिटी बताइए A पर, ये दूरी कितनी है 2r। निकाल सकते हैं क्या? अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मान लो पूरे को रो से भर दिया गया है, जो आपको चार डेंसिटी दे रखी है वो कितनी है रो। तो एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस रो से भरेंगे, तो प्लस रो से भरेंगे तो सॉलिड स्फीयर बन गया, उसकी वजह से 2r पर लिख सकते हैं इंटेंसिटी। इवन उसकी वजह से क्या बनेंगे, इसको माइनस रो से, माइनस रो से देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, अरे 2r ये हो गया और यहां से यहां तक कितना है, ये 3r। क्यों होगा ये यहां से यहां तक हो गया 3r, नहीं ठीक है, हां ये 3r ये 2r, तो कितना बन गया यहां से 5r। तो दोनों को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। अगर पॉइंट को मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं, इस सेंटर से मान लो मैंने 6r, ये बन गया आपका यहां से 4r, तो इसको 6r डिस्टेंस ये ले लिया, यहां पर इंटेंसिटी बताओ। तो भाई लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कैविटी वाले आपको मिलेंगे, तो उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये नॉन कंडक्टिंग कैविटी की चर्चा कर रहे थे। सेकंड केस हम ले रहे हैं, सेकंड केस फॉर कंडक्टिंग कैविटीज, हमने कंडक्टिंग कैविटीज को कंसीडर किया। उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए हम सेमेट्रिकली ले रहे हैं, क्योंकि नॉन सेमेट्रिकल का मैंने आपको पढ़ा दिया है। वैसे क्वेश्चन भी ज्यादातर जो आता है वो आपके लेवल में सेमेट्रिकल कैविटी इसका आ जाएगा जनरली, और नहीं है तो मैं आपको नॉन कैविटी उसका नॉन सेमेट्रिकल कैविटी का बता चुका हूं सारा कंसेप्ट, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर है C1 और इसके अंदर मतलब एक स्फीयर, इसकी रेडियस मान लीजिए R थी, इसके अंदर हमने एक कैविटी ले ली है R1 रेडियस की, इसको R2 कर लीजिए, ठीक है। ये कंडक्टिंग है, कैसा है कंडक्टिंग, थिक स्फीयर, ये कैविटी वाला है, तो इसको हम ये थिक स्फीयर भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग थिक होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, और स्फीयर हैविंग कैविटी, और ये कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि इस तरह का जो स्फीयर होता है उसको थिक होलो स्फीयर बोला जाता है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि जितने भी हमने स्फीयर्स की प्रॉब्लम्स को लिया, तो मैंने आपको बताया चाहे पोटेंशियल पूछिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए, सारे के सारे स्फीयर्स को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, यानी कि सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके रिजल्ट अलग होते हैं, अब बाकी के जो तीन होते हैं सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, या थिक होलो स्फीयर, थिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर, थिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इन सभी के लिए सेम रिजल्ट आते हैं। तो ये है कंडक्टिंग थिक होलो स्फीयर, ठीक है जी, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए कैविटी। अब बताइए आपको इंटेंसिटी बतानी है ए पर, बी पर और सी पर। अगर इसको क्यू कूलम चार्ज का इंजेक्शन ठोक दिया, कंडक्टिंग थिक होलो स्फीयर लिया, आपने क्यू कूलम चार्ज का इंजेक्शन ठोक दिया, तो आपको बताना है कि ए पर, बी पर, सी पर कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और क्या क्या इनके पोटेंशियल होंगे। तो एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी, एट सी एंड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी। तो तरीका आपने सब पढ़ा हुआ है भाई, यहां पर क्या करना है, गॉसियन सरफेस मान सिमेट्रिकल है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या था, ए, यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट एरिया वेक्टर, तो डी ए वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मान लीजिए, थीटा क्या हो गया जीरो, क्लियर। तो आप जब यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो फाइनाइट निकालो, तो ये जो फाइनाइट है ये कितना आएगा, फाइनाइट बोलिए, अरे हमने यहां इंटेंसिटी कितनी मानी, ई ई इंटू 4π, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, यानी ये जो हमने स्फीयर माना है ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल
गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो अगर हम भाई साहब गॉस लॉ लगाएं तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, वो तो जीरो है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ई बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक। अगर हम बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आपको बताया बी पॉइंट कहां है, कंडक्टर के अंदर। बी पॉइंट कहां पर है, कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर अगर मैं बी पॉइंट को ले रहा हूं तो आपको वैसे पता है कि क्या होनी चाहिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। बट अगर आपके माइंड में यह है हम तो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये तो कर लीजिए। तो यहां पर आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, मान ली। अब इसकी जो डिस्टेंस मानी है आपने इस पॉइंट की वो कितनी मानी है, आर। अरे कितना डिस्टेंस मान लिया इसका, ये आर डिस्टेंस मान लिया। तो यहां पर वही छोटा सा एलिमेंट, ये डी ए वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा यहां पर कितना हो गया, जीरो। थीटा कितना हो गया, जीरो। लो जी, अब इस गॉसियन सरफेस की बात कर लो, ये मान लो एस टू गॉसियन सरफेस है, ये एस वन गॉसियन सरफेस है। तो अब क्या आएगा यहां से, यानी कि ये तो हो गया ई ए की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये ई। अब ई भी निकालना है तो ई बी यानी कि नेट फ्लक्स निकालो, ई बी इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी फाइव नेट इज इक्वल टू ये आएगा ई बी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो फाइव नेट, गॉस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, सोचो इसके अंदर कितना चार्ज है। आपने क्यू कूलम चार्ज का इसको इंजेक्शन दिया तो क्या इसका कुछ चार्ज यहां अंदर सरफेस में बचेगा, आएगा क्या, ये क्यू कूलम का चार्ज इसमें पूरे में फैल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज का इंजेक्शन थोप देते हैं तो वो सारा की सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आता है। तो ये क्यू कूलम का चार्ज यहां स्प्रेड होगा, यानी कि अंदर बिल्कुल भी कहीं भी चार्ज नहीं होगा। तो आप यही सोच रहे हो कि क्यू चार्ज का इंजेक्शन दिया तो यहां भी चार्ज इस रीजन में, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस मानी है उसके अंदर यहां 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 क्या कुछ चार्ज रह जाएगा, कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर आएगा। तो ये क्या हो गया, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो ईवी बराबर जीरो, कोई चार्ज नहीं। अगर मान लीजिए मैं सी पॉइंट ले रहा हूं, सी पॉइंट को मान लो मैंने यहां ले लिया, तो यहां पर गॉसियन सरफेस मान लीजिए ये लो। तो अगर हम इसके लिए देखें तो आर दूरी पर गए आप, छोटा सा एरिया एलिमेंट, ये डीए वेक्टर, ठीक है, ये डीए वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, थीटा जीरो आ गया। तो फाइव नाइन निकाल लो भाई, कितना आएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ से। ऑल्सो फाइव नाइन कितना होगा, इसमें कितना चार्ज भरा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या कि जो क्यू कूलम का चार्ज आपने यहां दिया था वो यहां फैला हुआ है, अंदर तो कहीं कोई चार्ज नहीं है। अरे इस रीजन में क्या कहीं कोई चार्ज है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो फाइनेट जब लेंगे तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज q कूलम फैला हुआ है, डिवाइड ये सेकंड इक्वेशन। तो e की वैल्यू यहां से लेंगे तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यानी कि ये सारा की सारा जो चार्ज है इसके सरफेस पर फैला हुआ है उसको हम सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। अरे मान सकते हैं, नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इस चार्ज को हम यहां सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, तो इससे आर दूरी पर इंटेंसिटी इतनी आएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, क्लियर हो गया। तो हमने ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ए पर फील्ड जीरो, बी पर फील्ड जीरो, सी पर पॉइंट, सी पर फील्ड इतना। अगर हम सरफेस पर लें तो एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर लेंगे तो स्मॉल आर बराबर, ये कितनी रेडियस है इसकी, आर टू। तो भाई साहब इंटेंसिटी कितनी आएगी सरफेस पर, सरफेस ऐसे रिप्रेजेंट कर दी तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वाई आर टू स्क्वायर, सरफेस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर पता चल रही है कि जो चार्ज का इंजेक्शन हम दे रहे हैं वो चार्ज आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो रहा है। वो चार्ज कहां जा रहा है, कंडक्टर की आउटर सरफेस पर, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर पाए। पीछे हमने देखा कि उस चार्ज को हम कहां पर मान सकते हैं, सेंटर पर। ये जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमने चार्ज का इंजेक्शन दिया, जो हमने चार्ज का
इंजेक्शन दिया, वो सारा की सारा चार्ज कहां आया था? आउटर सरफेस पर। ये क्यों कूलम का चार्ज? तो इंटेंसिटी अगर मान लो मैं सी पॉइंट पर ले रहा था, ये दूरी कितनी थी आर, तो यहां पर ईसी की वैल्यू क्या आई थी? ए क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0r2। तो ये जो इंटेंसिटी आई ये कब आती है? जब ये 400 सेंटर पर मान लिया। तो जब 4 सेंटर पर आ गए तो पोटेंशियल एट सी आप लिख सकते हैं क्या आना चाहिए? ए इंटू क्यू बाई आर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो आपको पता है कि डीवी की जो वैल्यू होती है माइनस ई डॉट डी आर होती है। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जिसमें आपको पता है कि अगर मान लो हम इस जगह पर देखें तो डी आर वेक्टर और ई वेक्टर दोनों में थीटा कितना है? जीरो। अरे ये तो डी आर, ये तो आर वेक्टर आ गया, तो आर वेक्टर में डी आर वेक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन थीटा जीरो, तो यहां से डीवी इज इक्वल टू आएगा माइनस का ई इंटू डी आर और कॉस जीरो। तो कॉस जीरो तो वन हो गया, इसको हटा दीजिए यहां से। तो डीवी अगर निकालेंगे आप तो ये आएगा माइनस का ई। भाई साहब आप आर दूरी पर जाकर के ई कितना ले रहे हैं? ए क्यू आई स्मॉल आर और इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर दो तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी। डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी। तो वी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो भाई साहब ये आएगी माइनस का ए क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। तो इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो वी इज इक्वल टू आएगा ए क्यू बाई आर। तो आप पोटेंशियल डायरेक्ट वी लिख सकते थे, सॉरी ए पर नहीं, ये सी पर, और आप चाहें तो इस तरीके से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि सरफेस पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल एट सरफेस दैट इज इक्वल टू के इंटू, सॉरी ए इंटू क्यू ओवर स्मॉल आर को कितना लिखेंगे हम? ये रेडियस कितनी थी? ये तो आर वन थी, और इसकी रेडियस कितनी है? आर टू। तो सरफेस पर कितना होगा? अपॉन आर टू, ये पोटेंशियल आएगा। और आपने पढ़ाया कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो यहां है चाहे यहां है चाहे यहां है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यानी कि जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर? जीरो। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कॉन्स्टेंट। और कितना होगा? जितना की सरफेस पर। तो ये पॉइंट हमारा सी था, यहां पर हमने पॉइंट बी लिया, यहां पर पॉइंट मान लो ए लिया। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है, ये सरफेस मान लीजिए एस है, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, तो दैट इज ए क्यू बाई आर टू। पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ए पर पोटेंशियल अलग आना चाहिए, बी पर अलग आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी मास नहीं फैला हुआ है और यहां सर ये जो पॉइंट है ये इस मास के अंदर है, तो पोटेंशियल भी अलग आना चाहिए। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भाई साहब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, ना कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि यहां तो मास नहीं है और यहां पर मास फैला हुआ है तो यहां पोटेंशियल अलग आएगा, यहां पोटेंशियल अलग आएगा। कभी भी पोटेंशियल के कंसेप्ट के लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन कोई मैटर नहीं करता, मैटर क्या करेगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज यहां फैला हुआ है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पर जीरो है, तो जहां जहां जीरो है वहां पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि वो रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर मान लो हम पोटेंशियल की चर्चा करते हैं, ये आपने एक स्फीयर लिया, इसके अंदर ये आपने कैविटी ले ली, ये सेंटर, मान लो इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2 और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से भर दिया, सॉरी ये तो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, यानी कि ये कैविटीज जो हम ले रहे हैं कैसी ले रहे हैं? कंडक्टिंग कैविटीज है। तो हमने क्या किया कि इसके सेंटर पर माइनस क्यू कूलम चार्ज रख दिया। पहले जो चार्ज था पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था? पहला जो एग्जांपल था उसमें क्यू कूलम के चार्ज का इंजेक्शन थोका, तो वो चार्ज क्या हुआ? बाहर की सर्फिस पर आ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हम चार्ज का इंजेक्शन नहीं थोक रहे हैं, चार्ज को कहां रख रहे हैं? हम सेंटर पर। तो बताइए कि अगर मैं इसमें पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो एबीसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा? फाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी एंड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी।
आपको इस सब की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप सीख गए। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो गॉस इंटरफेस मानिए, तरीका आपको बताया है। तो सबसे पहले हम ई ए लिख रहे हैं, तो ई ए लिखेंगे तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ये मान लीजिए ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो इस पर हमने यहां पर यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लो ये दूरी कितनी है आर, तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ये डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई थीटा जीरो, तो करते आए तो कितना आएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये फाई नेट आएगा। ऑल्सो गॉस लॉ से फाई नेट आप निकालते हैं, इसके अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो हम निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जो वैल्यू आएगी माइनस का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर। हम इसको ए लिख सकते हैं, तो माइनस ए क्यू बाई आर स्क्वायर, भाई साहब इतनी इंटेंसिटी आएगी ए पर, यानी ई ए की जो वैल्यू आएगी माइनस ए क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो किधर जाएंगी, अंदर की तरफ। नहीं आई बात सर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये स्फीयर, ये सेंटर पर चार्ज माइनस क्यू, ये रेडियस आर वन, ये आर टू। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ गई, ये पॉइंट ए था, तो यहां ई ए ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ये भरा हुआ है आपका, ठीक है, चार्ज से, सॉरी ये मास है इसमें, इसमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज आपने हर, क्लियर हो गया। अरे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सेंटर की तरफ होगी इंटेंसिटी यहां पर, अच्छा जी। अब अगर मान लो मैं बी पॉइंट की चर्चा करूं, बी पर बताओ, तो बी पर इंटेंसिटी क्या होगी सोचिए, अरे बी पॉइंट कहां है, कंडक्टर के अंदर, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, जीरो। तो अगर हम ईवी की चर्चा करेंगे कि ईवी कितना होगा, ईए कितना होगा, ये तो हमने निकाल लिया, तो ईवी कितना होगा, जीरो। तो जीरो कब होगा, जब इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या हो, जीरो, और नेट चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो जीरो कब बनेगा, तो देखिए क्योंकि ये कंडक्टर है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये वास्तव में कहां रखा हुआ है, ये सेंटर पर रखा हुआ है। तो अब ये क्योंकि कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इंडक्शन के इफेक्ट से क्या होगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर की तरफ खींचेंगे, सॉरी रिपेल होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रिपेल करेगा तो यहां जो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पर वो नेगेटिव आएगा, और यहां इस सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नहीं आई बात, यहां ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू इंड्यूस्ड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर कंडक्टर है, ये बॉडी कैसी है, कंडक्टर, तो कितना चार्ज इंड्यूस होता है, जितना ये चार्ज है उतना ही यहां पर ये इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, ये माइनस क्यू है, तो यहां पर क्या आएगा, ये प्लस क्यू, क्या आएगा, प्लस क्यू, क्योंकि मैं आपको अगले कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि जो इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, कहीं अगर चार्ज q कूलम रखा है तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है माइनस क्यू प्लस क्यू वाई के, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें k बराबर क्या आएगा, इंफिनिटी, k बराबर क्या आएगा, इंफिनिटी, तो यहां इंफिनिटी पुट कर दूं तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, माइनस, अगर k बराबर इंफिनिटी पुट कर रहा हूं तो इंड्यूस चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू। अब क्यू की वैल्यू पुट करो भाई, यहां क्यू कितना है ये तुम्हारा, भाई इसी की वजह से तुम इंड्यूस चार्ज निकाल रहे हो, माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हो ना, कि यहां ये चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, तो वैल्यू पुट करो तो माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्यू इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, यानी कि अगर आप माइनस क्यू चार्ज रख रहे हैं तो यहां पर जो इंड्यूस चार्ज आया है प्लस क्यू, क्लियर हो गया, कंडक्टर है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या आ गया, जीरो, नेट चार्ज क्या आ गया, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो आ गया, तो फाई नेट जो लिखोगे आप क्यू इनसाइड अपॉन, मतलब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, तो क्यू इनसाइड कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, अरे ये तो प्लस क्यू है, इस वाली सरफेस से कितना, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, जीरो। और अगर यहां पर हम ये आर दूरी कंसीडर कर रहे हैं,
और यहां पर ये डी ए एलिमेंट मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मानते हैं, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ये फाइव नेट आएगा, बट ये तो किसके बराबर होगा, जीरो के। तो इंटेंसिटी बी पॉइंट पर कितनी आएगी, जीरो। आपको इसमें समझने वाली बात जो है, इंपॉर्टेंट बात एक ये थी कि अगर हम किसी भी जगह पर चार्ज क्यू की वजह से देखें कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो फॉर्मूला माइनस क्यू प्लस क्यू वाई के, यहां पर के क्या है, उस मेटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है। अब ये मेटेरियल कौन सा है तुम्हारा, ये मेटेरियल है कंडक्टर, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, इन्फिनिटी, तो पुट कर देंगे तो के इंड्यूस्ड क्यू इंड्यूस्ड कितना आ गया, माइनस क्यू, माइनस क्यू, लेकिन क्यू कितना है तुम्हारा यहां, माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू हो गया, इतना इंड्यूस चार्ज है। तो यहां पर चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस हुआ, तो बाहर की सर्फेस पर कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर मान लो पॉइंट को बाहर ले लेते हैं हम, यहां पर बताइए जी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आर दूरी, तो वही सारी कहानी फिर दोबारा लिखेंगे हम ऐसे ही। तो छोटा सा एरिया एलिमेंट डीए, इंटेंसिटी ई, थीटा जीरो, तो वही फिर, यानी अब हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर कितनी होगी, तो फाइव नेट लिख दो भाई, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई, फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ से फाइव नेट कितना आएगा, टोटल कितना चार्ज है, तो यहां कितना है, माइनस क्यू, यहां कितना है, प्लस क्यू, सेंटर पर कितना है, माइनस क्यू, तो कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अब दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दो, तो ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यानी माइनस ए क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर कर, यानी फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएंगी, अंदर की तरफ होंगे, जो हमने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है ये वास्तव में किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, इसी इस टाइप से। तो यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली, ए पर कितनी, बी पर कितनी, सी पर कितनी, तो अभी हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम पोटेंशियल की चर्चा करेंगे कि भाई पोटेंशियल कितने कितने आएंगे, पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए पोटेंशियल, इसके दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें काट पीट ज्यादा हो गई है। ये देखिए यहां, ये माइनस क्यू चार्ज रखा था, ये कंडक्टिंग कैविटी हमने ली थी इसमें, ठीक है, तो मैंने बताया कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आया इंडक्शन से, कितना, प्लस क्यू, और यहां पर इंडक्शन से कैसा चार्ज आया, माइनस क्यू। क्लियर, ठीक जी। यहां अंदर पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, ये पॉइंट लिया सी, तो हमने ई ए लिख दिया, ई ए कितना आया था, माइनस ए क्यू वाई आर, आर क्या है, ये वाली दूरी पॉइंट के, ई बी हमने लिखा था कंडक्टर के अंदर है जीरो, ई सी हमने लिखा था तो माइनस ए क्यू वाई आर, ठीक है, आप इसको बेशक आर वन ले लो और सी का जो डिस्टेंस है उसको आर टू ले लो, ऐसे कर लीजिए, तो इसको R1 लिख सकते हैं, इसको हम R2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब पोटेंशियल भी लिखिए, चर्चा करेंगे, तो पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल हमें अलग अलग चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करके जोड़ना है। तो आप देखिए A पर जब चर्चा करेंगे तो एक तो इस चार्ज Q की वजह से कितना पोटेंशियल, ये जो सरफेस है इस पर चार्ज फैला हुआ है प्लस Q, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, ये जो चार्ज माइनस क्यू फैला हुआ है इसकी वजह से ए पर कितना पोटेंशियल। तो मैं यहां पर इस सरफेस को नाम दे रहा हूं एस वन, इस सरफेस को नाम दे रहा हूं एस टू, जिनके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और ये सेंटर है सी जहां पर चार्ज रखा है माइनस क्यू। तो सेंटर पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखिए ए पर, सरफेस एस वन पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखिए ए पर, सरफेस एस टू पर चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखिए ए पर, सारे पोटेंशियल जोड़ दो, तो वी ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सेंटर सी प्लस ड्यू टू सरफेस एस वन प्लस ड्यू टू सरफेस एस टू, ड्यू टू सरफेस एस टू, ठीक है, इनके पोटेंशियल जोड़ दो। तो सेंटर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ए क्यू वाई स्मॉल आर वन, अरे यहां से आ सके दूरी कितनी है, स्मॉल आर वन, बहुत बढ़िया थी ये लो। अब ड्यू टू एस वन, इस वाली सरफेस की वजह से पोटेंशियल बताओ, तो आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्फीयर आप ले रहे हैं उसको अगर मान लो क्यू कूलम का चार्ज हमने दे रखा है,
ये क्यू कूलम का चार्ज है, इसके मान लीजिए रेडियस, रेडियस हमने ले रखी है ना, इसके रेडियस कितनी मानी हुई है आर वन, और इसकी रेडियस कितनी मानी हुई है हमने आर टू, क्लियर। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू ए क्यू ओवर, इसकी रेडियस अगर आर है तो ए क्यू ओवर आर। तो जितना पोटेंशियल यहां आया, तो इस सरफेस की वजह से कहीं लो, यहां लो, यहां पर लो, यहां पर या सेंटर पर, हर जगह पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो मुझे इस सरफेस की वजह से पोटेंशियल लिखना है ए पर। तो जितना पोटेंशियल इस सरफेस के ऊपर होगा, उतना ही पोटेंशियल इस सरफेस के चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर होगा। तो सरफेस एस वन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो ए इंटू क्यू, क्योंकि सरफेस पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, ओवर कैपिटल आर वन। तो जितना सरफेस पर आया, उतना ही पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से ए पर आएगा, क्योंकि ए पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर है, प्लस ड्यू टू एस टू इस वाली सरफेस की वजह से। तो क्या लिखोगे, ए इंटू इसकी सरफेस पर, मैंने कहा यहां पोटेंशियल बताओ या यहां पोटेंशियल बताओ, तो जो पोटेंशियल सरफेस पर आएगा वो ए इंटू माइनस क्यू, तो माइनस ए क्यू बाई आर टू, अरे आएगा नहीं आएगा, ये माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन रेडियस कितनी है इसकी, यहां से यहां तक आर टू, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल एट सरफेस ए क्यू ओवर आर टू, लेकिन क्यू नेगेटिव तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो जितना सरफेस पर, तो इसकी वजह से ए पॉइंट पर भी कितना होगा, उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहां भी मास है और यहां मास नहीं है तो यहां पोटेंशियल अलग होगा यहां अलग होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल मास पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो भाई साहब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, तो यहां आपको ए पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी कि ए पर पोटेंशियल कितना आएगा। बताइए बी पर पोटेंशियल एट बी, तो पोटेंशियल एट जब बी लेंगे आप यहां पर, तो सेंटर पर एक तो चार्ज, तो कितना आएगा माइनस ए क्यू बाई आर, मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है इसको आप आर टू मान लीजिए, कितना मान लीजिए आर टू, तो ए क्यू बाई आर टू, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से आर टू दूरी पर पोटेंशियल इतना होगा। दूसरा देखो ये फैला हुआ है, इसकी वजह से लिखिए सरफेस, यानी कि एस वन की वजह से, तो एस वन इसके चार्ज को भी हम सेंटर पर कंसेंट्रेट कर सकते हैं, मान सकते नहीं मान सकते, तो कितना आएगा ए इंटू क्यू ओवर, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है आर टू, तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। प्लस सी की वजह से देखिए, तो सी की सरफेस पर कितना आएगा ए इंटू माइनस क्यू, यानी माइनस ए क्यू ओवर कैपिटल आर, तो सरफेस पर इतना आया तो बी पॉइंट पर इतना होगा, इसने इसको मार दिया, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा माइनस ए क्यू ओवर आर टू, ये भाई साहब पोटेंशियल बी पॉइंट का हुआ, ये पोटेंशियल ए पॉइंट का हुआ, तो पोटेंशियल एट सी ये भी लिख लो, तो सी पॉइंट यानी कि यहां पर है, इस डिस्टेंस को हमने आर थ्री ले लिया, तो अब माइनस क्यू की वजह से लिखिए, तो माइनस ए क्यू बाई आर थ्री, इस वाले चार्ज की वजह से लिखिए, इसको भी हम सेंटर पर मानेंगे तो फिर यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा ए क्यू बाई आर थ्री, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये चार्ज प्लस है, तो प्लस सेंटर पर यहां रख दिया, तो इसकी वजह से यहां आर थ्री दूरी पर इतना आएगा। प्लस इस माइनस क्यू की वजह से देखेंगे तो माइनस क्यू को यहां रखा, तो माइनस क्यू की वजह से यहां जो आएगा माइनस ए क्यू बाई आर थ्री, ए क्यू बाई आर थ्री, तो देखिए यहां से प्लस ए क्यू बाई आर थ्री माइनस ए क्यू बाई आर थ्री कैंसिल हो गए, तो माइनस ए क्यू बाई आर थ्री, ये भाई साहब यहां का पोटेंशियल आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं कि कोई कैविटी दे रखी है, ये सिमेट्रिकल कैविटी है, यहां पर कंडक्टिंग बॉडी है, तो कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना पोटेंशियल। अब सोचिए कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन इस तरह का ले लूं, अगला क्वेश्चन ट्राई करना, देखिए मान लो कि ये हमने एक स्फीयर लिया और ये इसकी कैविटी, मान लो कि इसकी रेडियस है ये आर और इसकी रेडियस हमने ली टू आर, यहां पर चार्ज रख दिया क्यू कूलम और इसको हमने चार्ज दिया थ्री क्यू कूलम। बताइए अगर इसमें हम पॉइंट्स लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, बी पर, सी पर, पोटेंशियल ए पर, बी पर, सी पर, इनकी वैल्यूज लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है, अभी हमने किया है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख सकते हैं ना,
तो आप ये देखिए कि प्लस क्यू का चार्ज है अंदर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इंडक्शन के इफेक्ट से क्या आएगा, यहाँ की सर्फेस जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स खींचे आ जाएंगे, कितना चार्ज आएगा माइनस क्यू। तो जब ये माइनस क्यू चार्ज यहां आया, यानी कि माइनस क्यू को मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो इंडक्शन से इस पर कितना प्रोड्यूस हुआ, प्लस क्यू। नहीं आई बात समझ में? तो आउटर सर्फेस पर पहले से कितना था, प्लस थ्री क्यू, प्लस क्यू और आ गया। तो अब जो आपको स्फीयर मिला इसमें आउटर सरफेस पर हो गया प्लस फोर क्यू, ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पर होगा। नहीं आ रही बात समझ? और ये सेंटर, ये रेडियस आर, ये रेडियस टू आर, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, तो यहां पर चार्ज आया ये आपका माइनस क्यू, कितना आया माइनस क्यू। क्लियर? तो अब एबीसी के पोटेंशियल आप आसानी से लिख सकते हो। मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट्स हैं, यहां के पोटेंशियल लिख दीजिए, तो आसान हो गया। हमने कितना दिया था इसको, थ्री क्यू, लेकिन इंडक्शन के फैक्ट से कितना बन गया इस पर, फोर क्यू। क्यों? क्योंकि इधर के जो माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस क्यू चार्ज को कैंसिल कर रहा था, तो वो माइनस क्यू चार्ज इस सर्फेस पर इधर खिंच गया, तो प्लस क्यू चार्ज रह गया, तो वो प्लस क्यू चार्ज थ्री क्यू के साथ मिलकर के कितना बन गया, फोर क्यू। तो लिखिए ये पोटेंशियल है ए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा हूं, कई बार करा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन, खुद करना। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू सेंटर, तो सेंटर की वजह से क्या आएगा, ए क्यू वाई, मान लो कि इसका डिस्टेंस आर वन मान लो, तो ए क्यू वाई आर वन प्लस, इसकी वजह से बताओ, तो इसकी वजह से क्या लेंगे हम, ए क्यू ए इंटू माइनस क्यू, तो माइनस ए क्यू वाई कैपिटल आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो सर्फेस में कितना आएगा, माइनस ए क्यू वाई कैपिटल आर, तो उतना ही ए पर आया, प्लस यहां कितना है, फोर क्यू। तो इसको अगर हम देखेंगे फोर क्यू, तो फोर क्यू की वजह से सर्फेस पर कितना आएगा, ए इंटू फोर क्यू बाई आर, आर कितना है इसके लिए, टू आर, तो टू से टू टाइम कैंसिल हो गया, तो ये सर्फेस पर और उतना ही ए पर। तो यहां से जो आया ए क्यू ओवर आर वन माइनस ए क्यू ओवर आर और माइनस और ये है प्लस टू ए क्यू ओवर आर, तो कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू ए क्यू ओवर आर वन प्लस ए क्यू ओवर आर, ये टू ए क्यू है, इसमें से ए क्यू माइनस हो गया, तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, दिस इज द पोटेंशियल एट ए, वी इसकी वैल्यू है। बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखो भाई, पोटेंशियल एट बी कितना होगा, तो लिखो बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लें, यहां से लो इसे आर टू मान लो, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो सेंटर की वजह से कितना होगा, ए क्यू ओवर आर टू, अरे सेंटर तो प्लस क्यू है ना, तो ए क्यू ओवर आर टू प्लस, ये जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू की वजह से हम इस माइनस क्यू को सेंटर पर पानेंगे, तो क्या आएगा, माइनस ए क्यू ओवर आर टू प्लस। अब इसकी वजह से देखिए, ये जो सरफेस है, यानी कि ये वाली सरफेस यहां पर, तो कितना आएगा ये आएगा ए इंटू फोर क्यू ओवर टू आर, अरे यहां सरफेस पर ले लिया, तो कितना आएगा ए इंटू फोर क्यू ओवर टू आर, तो उतना ही कहां आएगा, बी पर आएगा। तो देखो यहां से ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये टू से टू टू टाइम, तो टू ए क्यू ओवर आर, ये वाई का पोटेंशियल कहां किस पर आएगा, बी पर। सी का पोटेंशियल लिख दो, तो सी का अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे, तो सी का पोटेंशियल इसकी वजह से मान लो ये कितनी दूरी पर है, आर थ्री पर, तो ए क्यू ओवर आर थ्री प्लस ये माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से माइनस ए क्यू ओवर आर थ्री प्लस ये फोर क्यू है, इसकी वजह से कितना आएगा, ए इंटू फोर क्यू ओवर टू आर, सॉरी आर थ्री, अरे ये दूरी कितनी यहां से पर, आर थ्री, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस किस में क्या आ जाएंगे, सेंटर पर, यहां से कैंसिल हुआ, तो ये कितना आएगा, फोर ए क्यू ओवर आर थ्री, ये सी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कोर्स में पोटेंशियल निकालने के, कि भाई कहां पर कितना पोटेंशियल, तो इनसे घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। मैंने आपको ये कंसेप्ट सारे कैविटी के पढ़ा दिए हैं। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम अर्थिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें क्या करेंगे कि जैसे दो तीन स्फेरिकल सेल हैं, सभी को सेंट्रिक रख दिया गया है, उसमें हम कुछ को क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं,
तो अर्थिंग की वजह से क्या इफेक्ट आता है उसको हमें डिस्कस करना है, और अर्थिंग करने के बाद अगर एबीसी तीन कई पॉइंट दिए तो वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, इस तरह की चर्चा करनी है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये और आपके कोर्स में बचा हुआ है, इन दोनों को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर हम कवर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।